हेलो गाइस एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो पर आप लोग के स्वागत है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बात करूंगा जो हमारा ई रिक्शा पे दो टाइप की बैटरी होती है, एक होती है हमारा लिथियम बैटरी और दूसरी होती है हमारा ट्यूबलर बैटरी। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बात करेंगे कि ई रिक्शा में कौन सी बैटरी आपको डालना चाहिए, कौन सी बैटरी बेस्ट रहेगा और ई रिक्शा में जो दो बैटरी में से कौन सी कितना डिफरेंस है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। चले गाइस करते हैं हम वीडियो को शुरू। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन है उसे भी ऑल कर दीजिए क्योंकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आपको मिले। तो देखिए गाइस, हम जो इसका ड्राइंग है पूरा निकाल दिया हूँ और देखिए जो हमारा ट्यूबलर बैटरी और जो हमारा लिथियम बैटरी, तो देखिए ये हमारा लिथियम होगा, ये हमारा ट्यूबलर होगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो आप ट्यूबलर बैटरी लेती है तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा क्या इसका रीजन है। आज हम पहले सबसे पहले बात करते हैं लिथियम बैटरी की। ओके, तो लिथियम बैटरी जब आप न्यू परचेस करेंगे, एकदम न्यू परचेस करेंगे, पर ईयर आपको पर डे कितना माइलेज देगा, पर डे आपको 150 किलोमीटर माइलेज देगा। ओके गाइस, पहला जो साल है उसका, पहला साल में आपको पूरा एक साल आपको 150 किलोमीटर माइलेज देगा। तो उसका बाद हमारा जो नेक्स्ट साल में आएगा कितना माइलेज ड्रॉप होगा वो जानना आपको बहुत ही जरूरी है। देखिए पहला साल जो पहला माइलेज है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको माइलेज देगा। उसके बाद देखिए पर मंथली आपको 1 किलोमीटर माइलेज डाउन होगा, तो मतलब कितना हुआ, 12 मंथ में हमारा एक साल होती है तो हमें 12 किलोमीटर माइलेज माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद 130 किलोमीटर माइलेज आपको मिलेगा, जो आपको 2 साल के अंदर 130 किलोमीटर माइलेज मिलेगा। ओके गाइस, तीसरा साल जो होती है हमारा, तीसरा साल में जो देखिए पर मंथली 2 किलोमीटर माइलेज कम होगा, 2 किलोमीटर माइलेज कम मतलब आपका 24 किलोमीटर माइलेज डाउन हो जाएगा। 24 किलोमीटर माइलेज को डाउन करने के बाद आपको इतना माइलेज आएगा, 140 किलोमीटर माइलेज आएगा। ओके गाइस, उसका बाद देखिए हम जो तीसरा साल में आपको क्या होगा, आपको 3 किलोमीटर पर मंथली आपको माइलेज कम मिलेगा, पर मंथ आपको 3 किलोमीटर माइलेज कम मिलेगा, मतलब साल में आपको 36 किलोमीटर माइलेज कम मिलेगा। तो इसके लिए आपको देखिए इतना माइलेज 78 किलोमीटर माइलेज आएगा। तो लास्ट साल में जो आपका 4 किलोमीटर कम हो जाएगा माइलेज, तो 4 किलोमीटर कम होने के बाद आपका कितना माइलेज आएगा, 30 किलोमीटर माइलेज आएगा। देखिएगा इस तरह से हो सकती है क्योंकि देखिए आपके जो ई रिक्शा की बैटरी है, जो लिथियम बैटरी बहुत ही लाजुक सा होती है, आपको सही तरह से मेंटेन करना है तो आपको अच्छी तरह से माइलेज देगा। और देखिए जो आपको 5 साल की गारंटी है, 5 साल पूरा 5 साल गारंटी नहीं देती, आपका 3 साल जो बैटरी का गारंटी है पूरी अच्छी तरीके से देती है। कुछ भी अगर इस बैटरी में अगर हो जाती है तो आपका तुरंत रिप्लेस कर देती है, मतलब नया डाल देती है आपका। अगर आप ये जो 2 साल है, ये 2 साल के अंदर बैटरी आपका ख़राब होती है तो आपको रिपेयरिंग करके देती है। इसी तरह से कंपनी से बताया तो 3 साल के अंदर जो लिथियम बैटरी में हमारा कुछ भी खराबी हो तो आपको कोई भी दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं, हम नया डाल देंगे। ओके गाइस, और उसका बाद जो 2 साल रहती है हमारा, इस 2 साल में आपका जो ट्यूबलर लिथियम बैटरी है तो वो आपको रिप्लेसमेंट करके नहीं देगा, वो जो रिपेयरिंग करके देगा। तो आपको इतना माइलेज जो जब आएगा तो आप इसमें कंप्लेन कर सकते हैं कि 78 से लेकर 30 तक आपका अगर माइलेज आ जाती है आपका बैटरी में तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपको रिप्लेस करके तो नहीं देगा, वो लोग रिपेयरिंग करके देगा, इससे ज़्यादा बेहतरीन अच्छा माइलेज मिलेगा। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं ट्यूबलर बैटरी के बारे में। तो देखिए ट्यूबलर बैटरी 6 महीने की होती है और 1 साल की होती है, तो आपको 6 महीने की जो बैटरी होती है उसको आपको पर डे 75 से लेकर 80 किलोमीटर पर डे आपको माइलेज देगा, आपको अच्छी तरह से माइलेज देगा। और अगर आपका बैटरी ख़राब हो सकती है, गारंटी है तो ख़राब होगा 100%, अगर आपका बैटरी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, माइलेज ठीक से नहीं देती है तो आपको कितना दिन का अंदर आपका बैटरी ख़राब हो सकती है। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको जो 3 महीना से 4 महीना तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका बैटरी ख़राब होती है तो आपका 3 से 4 महीने के अंदर ख़राब होगा। हाँ, ख़राब होने के बाद आपका चेंज जरूर कर देगा वो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगती है तो 1 सप्ताह से 10 दिन, किसी किसी टाइम में 1 महीने भी लग जाती है, तो आपका चेंज जरूर कर देगा। उसका बाद आप देखिए जो हमारा 6 महीने का बैटरी है, आप निश्चिंत 101% आप 1 साल चला सकती है, लेकिन देखिए जो आपका 5 साल का गारंटी वाला बैटरी है ये आप 10 साल नहीं चला सकते। ओके गाइस, इसमें आप 10 ईयर नहीं चला सकती है, 1 साल का बैटरी है
6 से 7 साल ही आप चला सकती है, 10 साल नहीं चला सकते। देखिए जो 6 महीना का बैटरी है, 1 साल आप आराम से चला सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मत सोचिएगा कि हमारा जो 5 ईयर की गारंटी है आप 10 ईयर तक चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके गाइस, तो हम मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।